जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। फ्रेंड्स, जो हमारी हिस्ट्री चल रही है जगमोहन बलोकरा की, अकॉर्डिंग टू 2019 एडिशन, उसका जो हम वॉल्यूम वन कंप्लीट कर रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे प्रोमिनेंट वैली इन एचपी। और फ्रेंड, जो ये वैली है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम हर एक एग्ज़ाम में कई बार एक या दो क्वेश्चन वैली से पूछा जाता है। इस बार जो जो HS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इससे एक जो क्वेश्चन है वो बना हुआ था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया था। मतलब उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो फ्रेंड्स, जो कंटेंट है वो आपको HPPSC लेवल तक का मिलेगा। सो आप ट्रस्ट रखिए और वीडियो को देखते रहिए फॉर मोर बेनिफिट विदाउट स्किप। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। टुडे टॉपिक इज़ प्रोमिनेंट वैली इन HP। पहली वैली है जो फ्रेंड, वो है सतलुज वैली। आपको पता ही होगा सतलुज वैली कहाँ से निकलती है, वो हमने पहले भी देखा हुआ है जब हमने रिवर कंप्लीट करी थी। और इसका जो रेंज है फ्रेंड्स, वो है शिपकी टू बिलासपुरी। आपको याद रखना कि कहाँ से कहाँ चलती है, और जो ये रिवर कट अक्रॉस द, इसकी रेंज एक तो टाउन की रेंज की है, कौन कौन से इसमें टाउन आते हैं, कौन कौन से जो हिमालयन हमने जो माउंटेन कर रखे वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। रिवर्स कट धौलाधर रेंज, पीर पंजल, मेन हिमालयन एंड जास्कर रेंज, ये याद रखना। धौलाधर एंड पीर पंजल, जिसको हम मेन हिमालय भी बोलते हैं फ्रेंड्स, और एक मेन हिमालय जो मेन हिमालय है, एंड जास्कर रेंज जिसको हम अल्पाइन रेंज भी बोलते थे, ये वो है। और जो टाउन आते हैं इसमें बिलासपुर, रामपुर एंड भाभा आर लोकेटेड। जो मैन बिलासपुर एंड रामपुर आपको याद रखने हैं, वो सतलुज बेसन है फ्रेंड्स, इसको रेड लिस्ट में रखा गया है बाय द एनवायरमेंट। ये 2011 में फ्रेंड्स पुणे बेस्ड कोई एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट था, उन्होंने इसको रेड लिस्ट में डाला है। क्योंकि एक तो जो सतलुज वैली है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, जिसकी वजह से सिल्ट बनता है। बाकी जो बिलासपुर में वहाँ पे पहले ही सीमेंट फैक्ट्रीज भी हैं, इसके वजह से भी सिल्ट और ज़्यादा बनता जाता है। लेकिन मेजर जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से है, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, नातवा झाकरी प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है एज बी ऑडिट डिस्कस, उसको फ्रेंड्स कई बार फिर बंद करना पड़ता है ड्यू टू सिल्ट। क्योंकि जो टरबाइन लगी होती है उसमें, वो फिर अच्छे से अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, इसलिए सतलुज वैली को रेड लिस्ट में डाला गया है। इसलिए बार बार इसको कई बार बंद करना पड़ता है। दूसरी फ्रेंड्स, क्यारदा दून वैली, इसको पोंटा दून वैली भी बोलते हैं, पोंटा के लिए बहुत फेमस है। और जो ये इसकी लोकेशन वो मारकंडा और धराती रेंज के बीच, इसके बीच आती है। जो जमुना रिवर है फ्रेंड्स, पोंटा में ही है, ये सेपरेट करती है इस वैली को देहरादून से, देहरादून जो उत्तराखंड में है। और जो ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस वैली है वो शेषगिरी में है, जैसे जो गिरी नदी है जो सिरमौर को दो पार्ट में डिवाइड करती थी, शेषगिरी एंड ट्रांसगिरी, उसमें से जो मेजर पार्ट है वो क्यारादून वैली में आता है, और जो लोअर पार्ट है वो है ट्रांसगिरी में। लेकिन क्यारदा दून वैली है, इसमें आपको ध्यान रखना कि शेषगिरी का मेजर पार्ट आता है। कुल्लू वैली, कुल्लू वैली फ्रेंड्स ब्यास रिवर के लिए फेमस है, मंडी और लारजी, याद रखना फ्रेंड्स। हम कुल्लू वैली नाम बेशक आ रहा हो, लेकिन ये कहाँ से कहाँ है, मंडी एंड लारजी, फेमस फॉर पाइन देन देवदार फॉरेस्ट और एप्पल के जो बगीचे थे तो उसके लिए है। और इसकी जो रेंज है फ्रेंड्स, पीर पंचल, लोअर हिमालय जिसको हम शिवालिक बोलते हैं, और ग्रेटर हिमालय झांसकर, इसमें सारे आते हैं फ्रेंड्स जो हमने तीन माउंटेन करे थे, एक्सेप्ट धौलाधर रेंज, ये आपको बस याद रखना है। बाकी टाउन तो मंडी कुल्लू दोनों आएंगे, भुंतर, मनाली एंड शामसी। और जो फेमस है फ्रेंड्स इसकी, वो है नागर कैस्टल, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी, हिडिंबा टेम्पल, हॉट वाटर स्प्रिंग एंड इतने ही है फ्रेंड्स इसके, हॉट वाटर स्प्रिंग, यस। एंड नेक्स्ट है हमारी कांगड़ा वैली। जो फ्रेंड्स कांगड़ा वैली है, ये लोकेटेड है धौलाधर एंड शिवालिक के बीच में इन साउथ। और जो फ्रेंड्स ये राइज करती है, वो है शाहपुर टू बैजनाथ एंड पालमपुर। और बैजनाथ फ्रेंड्स किसी और चीज़ के लिए भी बहुत फेमस है, अगर आपको पता हो तो कमेंट चीज में ज़रूर बताएं। टाउन बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, नूरपुर एंड धर्मशाला, फेमस अट्रैक्शन है।
सुभाष सिंह आर्ट गैलरी आपको पता ही होगा अंद्रेटा में है जो, और शिव टेम्पल ये कहाँ है, ये बैजनाथ में है, और ये क्यों फेमस है अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये बहुत ही इसके पीछे एक कहानी है कि क्यों फेमस है शिव टेम्पल। और जो तिब्बत गवर्नमेंट एक्साइल जो फ्रेंड्स वो दलाई लामा जी, उनका मैक्लोडगंज है, वो भी कांगड़ा बेली में ही आता है, चामुंडा मंदिर, ब्रजेश्वरी टेम्पल एंड तपोवन, ये महाभारत के टाइम में बहुत फेमस था। बाकी बड़ा बंगाल वैली, ये ऐसी वैली है फ्रेंड्स जिसमें धौला इसमें बस एक ही वो आता है ग्रेटर हिमालय का, जैसे लोअर हिमालय का, मिड हिमालय का सॉरी, धौलाधर एंड पीरपंचल रेंज, और जो पार्शली इसकी जो वैली है फ्रेंड्स वो कांगड़ा में आती है, पार्शली चंबा में आती है। इसलिए याद रखना है कि कौन सी ऐसी वैली जो पार्शली कांगड़ा में और पार्शली चंबा में है। बलह वैली, इसको सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। और ये फ्रेंड्स जो शिमला का रिज है, हमारा कैपिटल शिमला, उसका जो रिज है वो बलह वैली में आती है। और जो ये इसकी रेंज जो कहाँ से कहाँ हुआ है, शिवालिक इन नॉर्थ, शिवालिक इन साउथ, एंड जो शिमला है वो है नॉर्थ में। और सुकेती खड्ड जो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ये सुकेती एक जो रिवर वो मंडी में भी है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। और इस वैली के ऊपर ही एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट बना हुआ है एग्रीकल्चर के लिए जो फेमस था, अब भी है 1992 में। और फ्रेंड्स अब है चंबा वैली, चंबा वैली फ्रेंड्स इसको रावी वैली भी बोलते हैं, इसलिए आपको याद रखना है जो हमने पहले देखा था कि जो बड़ा बंगाल है वो पार्शली चंबा में आता है, पार्शली कांगड़ा में आता है। जो चंबा वैली है वो रावी वैली के लिए बहुत फेमस है। और जो इसमें जो ट्रीज मैक्सिमम जो ग्रोन होते हैं चंबा वैली में वो है ऑलिव, जो हम जैतून बोलते हैं, पोमेग्रेनेट, अनार हो गया, फिग, अंजीर, ऐसे बहुत है फ्रेंड्स, शीशम, पीपल, और ये मेंडिकल एंड वेराइटी ऑफ फ्लावर, उसके लिए चंबा वैली बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो हमारी धूप अगरबत्ती बनती है आजकल भी हिमाचल में, वो सबसे ज़्यादा चंबा वैली में ही बनता है। और सो टाउन है चंबा, भरमौन, डलहौजी एंड खजियार। लाहौल स्पीति वैली सिचुएटेड बिटवीन मेन हिमालय झांस्कर, और जो फ्रेंड्स काजा स्मॉल विलेज है वो भी कहाँ है, वो है लाहौल स्पीति में ही है, फेमस फॉर स्नोफॉल एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड पिन वैली। इसमें बस आपको याद रखना है कि ये कहाँ से कहाँ फैली हुई है, कौन से रेंज में है, और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ये आपको याद रखना है। बसपा वैली ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सांगला वैली भी कहते हैं। और जो फ्रेंड्स जो किन्नौर का जो एक गांव है छितकुल, छोटा सा गांव, सबसे हाइट छोटा नहीं सबसे जो हाइट पे है हिमाचल गांव, वो भी बसपा वैली में आता है। उसका जो एल्टीट्यूड है 3475 मीटर्स। ये फेमस है ग्रीन पेस्ट्रीज के लिए, फ्लावर्स के लिए, और फ्रूट जो हिमाचल में जो फ्रूट होता है किन्नौर में जैसे सेब वगैरह हो गए, वो बसपा वैली में उसके लिए बहुत फेमस है। वेजिटेशन जैसा हो गया देवदार, देवदार फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही कम एरिया में पाया जाता है हिमाचल में भी, इवन हिमाचल में भी तो मैक्सिमम किन्नौर या फिर अपर पार्ट ऑफ शिमला या सिरमौर वहाँ देखने को मिलता है। तो ये देवदार, ब्लू पाइन, फिर एंड सिल्वर बीज, सिल्वर बीज फ्रेंड्स एक टाइप का पौधा ही होता है, उसके पत्ते सेम वैसे वो दिखने में होते हैं जैसे हमारा पीपल होता है। पाब्बर वैली, पाब्बर वैली ये पता है शिमला में है, इसको रोड वैली भी बोलते हैं। इसको आंध्रा खड्ड जो एक वैली है वो फ्रेंड्स पाब्बर वैली में ही पाई जाती है। और जो फेमस जो टॉड फिश है फ्रेंड्स इस रिवर में, एक रिवर है जो पाबर, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी मिस्टर ग्लोवर, ये ब्रिटिश कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे 1938 और 39, इसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मतलब बुक में जो मेंशन नहीं की गई है, तो आपको याद रखना ऐसे अगर डेट पूछेगा तो दो में से एक ही 38 या 39 कुछ दिया हुआ होगा फ्रेंड्स। इतनी जितनी भी ये वैली है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर फ्रेंड्स आपको कोई भी वैली का कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ट्रस्ट रखिए और आप देखते रहिए प्रोविडेंट स्टडी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे मोटिवेट, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।